सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ज़ेंगन बोल रहा होता है कि लुजंग क्लाउड टेंपल लीडर लेस नहीं रह सकते, तो एल्डर सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम मास्टर की पोजीशन लो। लुजंग बोलते मैं सुटेबल नहीं हूं क्योंकि मैं निंग की केयर कर रहा हूं, यहां पे तुम ज्यादा सुटेबल हो। ज़ेंगन बोलते कि मैं कर तो सकता हूं, पर फिर जो गार्ड्स होते हैं वो चिल्ला रहे होते कि पकड़ो इसे। तो चैप्टर नंबर 182 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बाहर आता है और बोलता है क्या हुआ। एक गार्ड बोल रहा होता है ये जो भिखारी है कि इनर टेंपल में आ गया ऐसे ही, और बोल रहा है कि मेरे पास कोई ट्रेजर है दिखाने के लिए, और हमने इसे अभी भी पकड़ ली है। लुजंग बोलता है क्या ट्रेजर। लुजंग वहाँ पे जाता है, वहाँ पे गार्ड्स ने उसे घेरा होता है बैगर को, और वो बोल रहा होता है बैगर कि मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रेजर को दिखाने के लिए आया था मास्टर को, क्योंकि जो मर्चेंट है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था उसे, इसलिए मैं यहाँ पे आया। जो गार्ड होता है वो बोल रहा था ट्रेजर और तुम क्या बकवास कर रहे हो, इसे यहाँ से बाहर निकाल लो। वो जो बैगर होता है वो स्टोन को ऊपर की तरफ उठाता है और बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो ओल्ड जेड है ये एक ऐसी चीज है जो कि मेरे एंसेस्टर पीछे छोड़ के गए हैं, ये किसी की भी लाइफ फोर्स को भर सकता है और रिस्टोर कर सकता है उनकी लाइफ एनर्जीज को। मैंने सुना था कि जो क्लाउड टेंपल की मास्टर है उनकी लाइफ एनर्जी ड्राई हो गई है, ये ओल्ड जेड पक्का ही काम करेगा। वो जो गार्ड होता है वो बोल रहा था ये बेकार सा रोक, यहाँ से दफा हो जाओ। लुजंग बोलता है रुक जाओ। लुजंग को स्टोन की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ऐसे लग रहा है कि लाइफ एनर्जी इस ओल्ड जेड के अंदर छुपी हुई है। लुजंग बोलता है इस जेड को अपने साथ लाओ और मेरे को फॉलो करो। लुजंग बोलता है इसे कैसे यूज करते हैं। वो बैगर बोलता है कि जैसे मेरे एंसेस्टर ने बोला था इसे क्रश करना पड़ता है, जब हम ऐसा करेंगे तो जो लाइफ एनर्जी इसके अंदर होंगी वो बाहर निकल जाएंगी। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग अपने हाथ से उसे तोड़ने लगता है, जैसे उसमें क्रैक पड़ता है तो जो लाइफ एनर्जी होती है वो बाहर निकल रही होती है। लुजंग ये देख के उत्तर बोलता है क्या ये लाइफ एनर्जी। वो जो लाइफ एनर्जी होती है वो निंग के पास जा रही होती है, उस लाइफ एनर्जी को निंग एब्जॉर्ब कर लेती है और उसका फेस ठीक हो जाता है। लुजंग बोल रहा होता है कि ये काम कर रहा है। लुजंग बोलता है कितने ज्यादा है तुम्हारे पास, सभी मेरे पास दे दो। वो बैगर बोल रहा होता है पर, लुजंग बोलता है मैं जितना बोल रहा हूँ तुम्हें तुम उतना करो, और रिवॉर्ड्स की चिंता मत करो, मैं अपने प्रॉमिस को पक्का ही फुलफिल करूंगा और तुम्हें क्लाउड टेंपल को भी ज्वाइन करने दूंगा। वो जो बैगर बोलते शुक्रिया, मेरे पास 7 और है। लुजंग उन सभी को क्रश कर देता है और निंग के पास रख देता है। जो लाइफ एनर्जीज होती है वो निंग एब्जॉर्ब कर रही होती है। लुजंग निंग की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये काम तो कर रहा है पर ये काफी नहीं है। वो गार्ड्स को बोलता है कि इसे 10,000 हाई ग्रेड जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स दे दो और इसका नाम क्लाउड टेंपल की एज अ मेंबर भी रजिस्टर कर दो। लुजंग बोलते है और अगर बात की जाए लो ग्रेड रेलिक की तो तुम उसे वील्ड नहीं कर सकते हो, हम इंतजार करेंगे जब तक तुम सूटेबल लेवल तक नहीं पहुंच जाते हो। वो जो गार्ड होता है बोलते है ठीक है हम ऐसे करेंगे। तो वो जो बैगर होता है वो नीचे झुक के थैंक यू बोलता है लुजंग को। लुजंग बोलता है ठीक है अब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि ये ओल्ड जेड्स आए कहाँ से हैं। तुमने बोला ये तुम्हारे एंसेस्टर से है ना। वो जो बैगर होता है वो बोल रहा था सर मेरे जो एंसेस्टर है वो ली फैमिली थी मोशी से, वो 700 साल पहले एक पर्सन उन्हें मिला हुआ था जो कि 4 गॉड कंट्रीज का था, उसने मेरी फैमिली को वो जेड दिया हुआ था। ऐसे तो मेरी फैमिली ने कभी भी मेंशन नहीं किया उस जेड के बारे में, पर मुझे लगता है कि वही जो पर्सन था वही पीछे छोड़ के गया उन जेड्स को। लुजंग बोलता है क्या अच्छा ये गॉड कंट्रीज का है। लुजंग सोच रहा था ये ओल्ड जेड गॉड कंट्रीज से आ रहा है, मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैं वहां पे कैसे पहुंचूंगा। लुजंग बोलता है मैं ठीक है समझता हूँ तुम अब जा सकते हैं यहाँ से। वो जो बैगर बोलते है शुक्रिया। फिर लुजंग मीटिंग हॉल में जाता है, मास्टर शी बोल रहा होता है कि लुजंग तुम फाइनली यहाँ पे पहुंच गए हो, मैंने सुना गार्ड से कि तुम हाई ग्रेड जेन एनर्जी स्टोन्स ले रहे हो, क्या तुमने क्योर फाइंड कर लिया। लुजंग बोलता है हाँ पर नहीं, एक बैगर जो है जिसका नाम ली हेट आए है उसने मेरे को कुछ ओल्ड जेड दिए थे जिनके अंदर लाइफ एनर्जीज थी, उसने निंग की कंडीशन को तो इम्प्रूव किया है पर जो उसने अमाउंट दिया था वो बहुत ज्यादा कम है, और इसने मुझे बताया कि वो गॉड कंट्रीज में है। मास्टर जी बोलता है तो तुम ये प्लान कर रहे हो वहाँ पे जाने का। लुजंग बोलता है हाँ मैं वहाँ पे चला जाऊंगा और देखूंगा कि मेरे को चीजें कैसे मिलेंगी। एक इंसान बोल रहा होता है कि इसने बोला था कि वो उनसे आसानी से डील कर सकता है ना, तो दूसरा बोल रहा होता है हाँ ये कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मास्टर क्लाउड टेंपल का दूसरा लीडर बोल रहा होता है लुजंग तुम्हारे जो भी प्लान हो क्या तुम हमें बता सकते हो। तीसरा भाई बोल रहा होता है हाँ मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, अब मुझे मत बोलना कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि एक डिवाइन सी रियलम के वॉरियर को तुम हरा सकते हो। लुजंग बोलता है सिंपल है मेरे पास एबिलिटीज तो नहीं है एक से डील करने के लिए, पर अगर डायु किंगडम डिवाइन सी रियलम के वॉरियर्स को भेज रहा है तो हम भी भेज सकते हैं। जो मीटिंग में प्रेजेंट लोग होते हैं वो बोलते हैं कि तुम क्या मजाक कर रहे हो। लुजंग बोलता है मैं कम्प्लीटली सीरियस हूँ। तो जो सेकंड लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि तुम इस तरह के कोई इंसान को ला सकते हो तो तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया जब तुम चूजे से फाइट करने लगे थे। लुजंग अपनी फिस्ट को टाइट करता है और बोलता है क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से मारना चाहता था चूजी को। ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। मार्शल जी बोल रहे होते अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे डिवाइन सी रियलम के वॉरियर कहाँ पे जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो। लुजंग बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर शी, मेरे को सिर्फ 7 दिन चाहिए और 7 दिनों के बाद तुम्हारे आंसर तुम्हें मिल जाएंगे, तो तुम शांत रहो। मास्टर शी बोलते ठीक है मैं तुम्हें ट्रस्ट
करता हूँ। लुजंग जल्दी से एक जगह पे जाता है और बोलते जुन बार आ जाओ। जुन बार आ जाती है। जुन बोलते मुझे पता तुम क्या चाहते हो। जब मैं उस प्लेस से लेफ्ट हुई थी तो मैंने लियू को एक कम्युनिकेशन टेल्समैन दिया था जो कि मेरे स्टैचू से कनेक्ट था, तो मैं सिर्फ उसे बर्न करने टेल्समैन को और उसे पता लग जाएगा स्टैचू से। लुजंग बोलता ठीक है। लुजंग उस टेल्समैन को बर्न करता है। जुन बोल रही होती है लियू तुम मेरे को सुन सकती हो। फिर हमें सी गॉड लैंड के सैक्रेड लैंड का सीन दिखाई देता है स्काई फेदर का, तो वहाँ पे जो जुन का स्टैचू होता है वो ग्लो कर रहा होता है और वो ही बोल रहा होता है लियू के नाम से। तो सभी जुन को ग्रीट करते हैं। जुन बोलते कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए लियू। लियू बोलते जैसी आपकी इच्छा, हम वहीं पे जल्दी पहुंच जाएंगे। जुन बोलते कि नहीं ऐसी जरूरत नहीं, ये नहीं बोलना चाहती हूँ मैं। अगर तुम आ जाओगे यहाँ पे तो डीमोनाइट्स और ह्यूमंस का क्या होगा, तुम्हें खुद ही नहीं आना चाहिए यहाँ पे। सिर्फ तुम पर्पल हर्ट हॉली लैंड वालों को बोल दो, कुछ तुम अपने भी स्काई फेदर से तुम कुछ डिवाइन सी रियल्म्स के वॉरियर को भेज सकते हो और तुम खुद इस फोर्ट को संभालो जहाँ पे तुम हो। लियू बोलते ठीक है मैं समझती हूँ। वो बाकी वॉरियर्स को बोलती है अगर ऐसी बात है तो कौन जाना चाहता है टेलीपोर्टेशन अरे से और किंग को सर्व करना चाहता है। तो जो बाकी वॉरियर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हम जाना चाहते हैं। सिटू ऑर्टन बोल रहा होता है लुजंग चाहता है क्या कुछ डिवाइन सी रैलम वॉरियर्स को मिडिल डोमेन में हेल्प के लिए। अच्छा समझता हूँ मैं। वो जो डिवाइन सी रैलम के वॉरियर्स होते हैं वो टेलीपोर्टेशन एरिया में चढ़ जाते हैं और मिडिल डोमेन में एंटर कर जाते हैं। वेल सिटू ऑर्टन भी होता है उनमें से एक। सिटू ऑर्टन बोल रहा होता है अच्छा ये मिडिल डोमेन जो कि लुजंग का बर्थ प्लेस है। वो बोलते ठीक है हम मूव करते हैं। वो सब मूव कर रहे होते हैं साथ में। तो जो यूलोंग सेक्ट होता है जहाँ पे लुजंग पहुंचा होता है तो वहाँ पे जो गार्ड होता है वो बोल रहा होता है पैट्रियार्च को कि मास्टर ये तो बहुत बुरा है। वो जो मास्टर होता है यूलंग सेक्ट का वो बोल रहा था तुम इतने ज्यादा घबराए क्यों हो, तुम टटर क्यों कर रहे हो, मतलब तुम्हारे वर्ड्स क्यों कम कम से आ रहे हैं, क्या हुआ। वो जो गार्ड होता है वो बोलता है बार बड़े ज्यादा इनक्रेडिबल पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। पैट्रियार्च बोलते है धीरे रुक जाओ थोड़ा सा, क्या लेवल है उनका। पैट्रियार्च भी ऊपर की तरफ देखता है और बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोच रहा है हे मेरे भगवान ये तो 100 से भी ज्यादा लिम्बो रैलम और उनमें से डिवाइन सी रैलम से भी ऊपर के वॉरियर है और डिवाइन सी रैलम के वॉरियर है, ये पक्का ही मिडिल डोमेन से नहीं है, क्या ये फोर गॉड कंट्रीज से है, क्या ये अटैक करने के लिए यहाँ पे, पर ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है, मिडिल डोमेन तो पक्का डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सिटोटिन नीचे देखता है और बोलता है कि मैं चलो डायरेक्शंस के बारे में पूछता हूँ क्योंकि मेरे काइंड के पीपल है वहाँ पे वेल इंसान। सिटोटिन पैट्रियार्च को ग्रीट करता है, बोलता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो रेकल सिटी कहाँ पे है। पैट्रियार्च बोलता है वो साउथ वेस्ट में है वहाँ पे। फिर वो अपने मुंह पे हाथ रखता है, सोच रहे नहीं मैं एक एनिमे को क्यों बता रहा हूँ रेकल सिटी की पोजीशन के बारे में। सिटोटिन बोलता है शुक्रिया हम जल्दी में आए तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है देने के लिए, पर प्लीज इसे रख लो ये एज अ थैंक यू टोकन है। वो एक स्वॉर्ड को देता उसे और बोलता है कि चलो हम किसी और टाइम मिलेंगे। वो देखता है स्वॉर्ड की तरफ, वो बोलता है क्या रैलिक, वेल मिडिल डोमेन में नहीं मिलते हैं ऐसे ट्रेजर्स। फिर ओरेकल सिटी का सीन दिखाई देता है हमें कुछ दिन बाद का। जो गार्ड्स होते हैं वो बोल रहे थे ये तो पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, क्या ये गॉड कंट्रीज से हैं। वो अलार्म को बजा देता है, वेल बेल को बजा रहा होता है। जो मीटिंग हॉल होता है वहाँ पे लोग प्रेजेंट होते हैं। एक इंसान बोल रहे थे इतने ज्यादा जल्दी क्यों आगे, अब हम इस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। वो सभी जो होते हैं वर्ल्ड कमर्शियल लाइन्स के और बाकी जो वॉरियर्स होते हैं वो एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। मास्टर चीफ सोच रहे होते हैं 9 डिवाइन सी रैलम के वॉरियर और 100 लिम्बो रैलम के वॉरियर, अब तो बड़ा ज्यादा लेट हो गया है लुजंग की रिइंफोर्समेंट को आने के लिए, अब हम क्या कर सकते हैं। सिटोटी नीचे आ जाता और ग्रीट करता है उन्हें और बोलता है कि क्या तुम हम बता सकते हैं लुजंग कहाँ पे है। मास्टर चीफ ये सुन के हैरान होता है, वो सोच रहा होता है क्या मैं उसे कवर करूं, ये तो ऐसे एस्केप नहीं कर सकते हैं, हम डिफेंड भी नहीं कर सकते हैं। और लुजंग आ जाता है और बोलता है अच्छा तुम गाइस यहाँ पे पहुंच भी गए हो, हम जब एक दूसरे से अलग हुए थे तो मैंने सोचा था कि हमें बड़ा टाइम लग जाएगा एक दूसरे से मिलने के लिए, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम इतने ज्यादा जल्दी मिलेंगे और मुझे तुम्हारी हेल्प इतनी ज्यादा जल्दी चाहिए होगी, मेरे को शर्म आ रही है। सिटोटिन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही मतलब बोल रहे हो, तुम इतना भी ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, टेंशन लेनी चाहिए, जो एनवायरनमेंट तुमने क्रिएट किया हम इंसानों के लिए वो हमें बड़ा जनरेशन के लिए बेनिफिट देगा, ये तो छोटा सा मैटर है जो हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तुमने हमारे लिए कुछ ज्यादा ही किया है। जुन भी बाहर आ जाती है, जितने भी डीमोनाइट्स होते हैं वो ग्रीट करते हैं जुन को। ये देख के जो मिडिल डोमेन के वॉरियर्स होते हैं और जो वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस के हेड होते हैं वो बड़ा हैरान होते हैं। जुन बोलते खड़े हो जाओ। मास्टर चीफ सोच रहा होता है हे मेरे भगवान ये जुन की स्पोर्ट स्पीड क्या है, अब ये सभी पावरफुल वॉरियर्स हैं ये इसके सामने ऐसे की झुक रहे हैं। मास्टर चीफ बोलते हैं लुजंग क्या ये तुम्हारी रीइंफोर्समेंट है, क्या हो रहा है। लुजंग बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है चेयरमैन जी, ये मेरे फ्रेंड्स जो मैंने पास 2 सालों में बनाए हैं। मास्टर चीफ बोलते क्या फ्रेंड्स, वो सोच रहा होता है कि लुजंग ने क्या किया 2 सालों में जिसके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं। फिर मास्टर चीफ बोलते हैं अच्छा तुम फ्रेंड्स हो लुजंग के, हम वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस के हैं, हम तुम्हें होस्ट करेंगे, वेल खिलाना पिलाना और रहने का प्लेस
भेज देंगे, जल्दी चलो हमारे साथ। और हाँ, तुम सभी बड़े दूर से आए तो प्लीज मुझे होस्ट करने दो तुम्हारे लिए, हम बाकी सिटी में पहुँच के बात करते हैं। फिर वो खाना खिला रहे होते हैं उन्हें, माशी बोल रहा था जल्दी करो और सर्व करो इन्हें, एक डेमोनाइट बोल रही होती है तो बड़ा सा डिलीशियस है, मैंने इतना टेस्टी कभी खाया ही नहीं। सिटोटिन सोच रहा होता है लुजंग को देख के कि क्या हुआ, तुम किसी चीज के बारे में सोच रहे हो ऐसा लग रहा है। लुजंग बोलता है हाँ, मेरे को किसी चीज के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए सीनियर। वो फिर उसे निंग के पास लेके जाता है, सिटोटिन उसकी वेन्स को चेक करता है और बोलता है तुम सही हो, ये वुमेन है ये ऐसे इल नहीं है, पर इसकी जितनी भी एनर्जीज है लाइफ एनर्जी वो सब ड्राई हो गई है, अगर तुम इसे हील करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसी चीज फाइंड करनी पड़ेगी जो इसकी लाइफ एनर्जी को रिफिल कर सके। लुजंग बोलता है कैसी चीज है, कोई क्या सी गोल्ड लैंड्स में? सिटोटिन बोलता है कि मैंने कभी देखी भी नहीं है और सुनी भी नहीं है ऐसी चीज होती भी है, और ना ही वो ज्वानमिंग केव में थी, अगर हमें ऐसी कोई चीज मिलेगी केव में तो हम तुम्हें पक्के वो भेज देंगे। लुजंग बोलता तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो बड़ा डेंजरस है तुम्हारे लिए, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं ऐसा मेरे लिए, मेरे को लगता है कि मैं वेट कर पाऊंगा इतना। वो सोच रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फोर गोल्ड कंट्रीज में जाने पड़ेगा और वहाँ पे क्लूज को फाइंड करने पड़ेगा ओल्ड जेट्स के बारे में। सो गाइस, चैप्टर नंबर 182 इतने था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय।